प्रवीण जी, आप एक युवा हैं, तो आपके मन में ये जागृति कहाँ से पैदा हुई कि हम गरीब लोगों का हेल्प करें? दरअसल मैं 13 साल का था तब मैंने सबसे पहले रवि सर को मिला था, जो मेरे गुरु हैं, जो अर्थसेवर फाउंडेशन को चलाते हैं। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखाना, जैसे मैं गिटारिस्ट हूँ, गिटार सिखाना, ऐसे स्ट्रीट से, गली से मैं लोगों को पकड़ पकड़ के, बच्चों को स्कूल जाते हो नहीं जाते हो, हाथ धोना, ये सब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से मैंने सिखाते हुए, फिर मैं पिछले 2 साल से जानता था, यहाँ पर आता भी रहता था बीच में। फिर मैंने एक प्रण लिया कि मुझे यहाँ पर इन बच्चों के लिए कुछ करना है। जैसे कि कुछ बच्चे हमारे 14 साल के, 15 साल के, वो कभी स्कूल गए ही नहीं हैं, तो उन बच्चों के लिए मेरा एक प्रयास है कि मैं कुछ कर सकूं उन बच्चों के लिए। क्योंकि मैंने तो अपनी ग्रेजुएशन कर ली, पर मेरे भाई बंधुओं का क्या होगा, क्योंकि मेरे समाज का क्या होगा, इन लोगों का क्या होगा, इन लोगों को देखने के लिए और कोई नहीं है। जैसे इनकी पानी की सुविधा है, 2 टैंकर वीकली इनको प्रोवाइड हो रहे हैं अभी, वो भी हमारा प्रयास चल रहा है। उसके साथ साथ इनके पास में टॉयलेट्स नहीं है, वो एक इशू है यहाँ पर, और मेनली इनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे आधार कार्ड हमने अप्लाई किए, वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करें, रिजेक्ट हो जाते हैं मोस्टली। तो इन सब चीज़ों के ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारी यही पहल है कि द लाइफ सेवर फाउंडेशन की तरफ से और मेरी तरफ से जितना भी होता है, सबको पता है मैं आगे ही रहता हूँ। रोबिन जी, जब आप स्कूल में इन बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं, तो आप किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो इनके जो पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं है, और वोटर आईडी कार्ड नहीं है, और इनका आधार कार्ड नहीं है, कोई भी इनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो मैं चाहूँगा जो हमारे बीच में जो हमारे आदरणीय आए हुए हैं, जो जिस भी विभाग से हैं, वो लोग हमारी मदद करें ताकि इन बच्चों का एडमिशन होने पाए, और मैं इस बात का दावा करता हूँ कि ये लोग एग्ज़ाम में क्वालिफाइड कर लेंगे।